किसी भी स्कूल में क्लास 9 में एडमिशन टेस्ट के लिए बहुत ही कम सीट्स होती हैं और उन सीट्स के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कंपटीशन ज़्यादा है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे कोचिंग में एडमिशन लें या बहुत सारे ट्यूशंस लगाएं, तरह तरह की बुक्स पढ़ें, तभी आपका एडमिशन टेस्ट क्लियर होगा। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आप घर पे ही बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने मन चाहे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 9 एडमिशन टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो बेस्ड होता है क्लास 8 के सिलेबस पर, इसलिए अगर आपको क्लास 9 में एडमिशन लेना है तो जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं क्लास 8 की बुक को आप ले और उसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपने उस स्कूल बुक से पूरे साल पढ़ाई की है तो उस बुक से आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल की बुक को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, उनके जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, वो सब अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए और प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए 3 ऐसी बुक मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी जिससे आप पढ़ाई करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। क्लास 9 के एडमिशन टेस्ट का सिलेबस बेस्ड होगा क्लास 8 पर। अलग अलग स्कूल्स हैं तो हर एक स्कूल का अपना एडमिशन टेस्ट का पैटर्न भी अलग अलग होता है। वे स्कूल जो ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इस तरह के और भी जो स्कूल्स हैं, ज़्यादातर क्लास 9 एडमिशन टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक सवाल दिया होता है और 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको सही आंसर चूज करना होता है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल का बोर्ड हो, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, IB, IGCSE बोर्ड, उनके एडमिशन टेस्ट का पैटर्न अलग अलग होगा। हर स्कूल अपने एडमिशन टेस्ट का पैटर्न अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, कुछ शॉर्ट, कुछ लॉन्ग आंसर्स हो, ये टोटली स्कूल पे डिपेंड करता है। जिस भी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्कूल में आप एडमिशन टेस्ट के पैटर्न के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर भी क्लास 9 एडमिशन टेस्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर शेयर किए हैं, आप उन्हें भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ अपने स्कूल की बुक के अलावा 3 वो बुक जिसे आप रेफर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए और प्रैक्टिस के लिए, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पहली बुक है NCERT की। अगर आप CBSE स्कूल में एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं तो NCERT को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। NCERT के जो भी टॉपिक्स हैं उनको, चाहे आप NCERT से पढ़ें या किसी और बुक से, उन टॉपिक्स को इग्नोर ना करें क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। दूसरी बुक जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो है क्लास 8 की लखमीर सिंह एंड मनजीत कौर की बुक। ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर स्कूल में ये टॉपिक कवर होता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट बताने का तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप चैप्टर्स को गो थ्रू करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, ये सब को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी बुक जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी साइंस के लिए वो है क्लास 8 की कार्डोवा की बुक। इसमें कॉन्सेप्ट जिस तरीके से समझाया गया है वो काफ़ी अच्छा है। सिंपल लैंग्वेज में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है और चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, साथ ही बीच बीच में एक्टिविटी भी दी गई है, टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे दिए गए हैं, कुछ ब्रेन टीजर्स दिए गए हैं। तो ये कार्डोवा की जो बुक है क्लास 8 साइंस की, ये काफ़ी अच्छी है। इसे आप अपने डेली पढ़ने के लिए भी एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। क्लास 8 के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी बुक रहेगी। ये दोनों ही बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कार्डोवा की और लखमीर सिंह और मनजीत कौर वाली ये बुक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो क्लास 8 के बच्चों के लिए साइंस की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी है, चाहे वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए हो या फिर क्लास 9 के एडमिशन टेस्ट के लिए हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प हो। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।